राम सखा यादव के साइड करके रख दू तो रखी मतलब ओकरा से बीच लड़ रही दोनों यादव यादव गैर मरे थे। हाँ दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर जो अधिकारी का फोटो आप देख रहे हैं ना, ये समस्तीपुर SC ST थाना का थाना प्रभारी, और इसका भाषा जो है ना एकदम गुंडा के जैसा। काहे कि यह SC ST थाना के थाना प्रभारी, आई जानते हैं फोन करके ये गंदा गंदा गाली देते हैं, धमकी देते हैं, और जानते हैं एगो जाति विशेष के लिए इतना गंदा बात बोले हैं कि हम मुंह से बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ये जानते हैं यादव जाति के लिए ये बहुत ही गंदा गाली का प्रयोग किए हैं। राम सखा यादव के साइड करके रख दू तो रखी मतलब ओकरा से बीच लड़ रही दोनों यादव यादव गैर मरे थे। हाँ, सोचिए कितना खराब चीज बोला गया है। और जानते हैं फोन पे ही ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, और ये बोलता है फॉरवर्ड बैकवर्ड करता है। अब सोचिए कि SC ST थाना में कौन जाते हैं, SC ST जाते हैं। अब जिसके मन में बैकवर्ड फॉरवर्ड बैठा हुआ है, वो तो मान लीजिए किसी फॉरवर्ड के खिलाफ कोई झूठो कंप्लेन करेगा तो उसको तो परेशान करके रख देगा। आ इतना ही नहीं, ये जो है ना अपना पराया करके रखते हैं पत्रकार में कि फलना पत्रकार हमारा है और फलना जो है सो पराया। इतना भेदभाव और इतनी गंदी मानसिकता है इस थाना प्रभारी की कि सोचिए इसके कार्यकाल में सोच के भी डर लगता है कि न जाने कितने लोगों को ये फंसाया होगा, कितने लोगों को तंग किया होगा, कितने लोगों को थाना में गाली दिया होगा, कितने लोगों को थाना से अपमानित करके भगाया होगा। क्योंकि एक सीनियर पत्रकार जो पिछले 40-45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इनको फोन करके ना गंदी गंदी गाली दिया। इससे पहले कि पूरा मैटर बताए, उससे पहले ही पूरा टेप सुन लीजिए। हेलो, हाँ पलटन जी बोल रहे हैं जी, हम बड़ा बाबू बोल रहे हैं SC ST थाना जी। SC ST थाना समस्तीपुर से बोल रहे हैं जी। हमारा सब ठीक है जी, क्या सब हो रहा है जी? ये है सर, पूरा सुनते हैं, एकदम हिला के रख लिया है रोसरा के। है रोसरा के हमें आज की हिले बे सर, हमरे श्रद्धांजलि आर दे दिलखन फेसबुक आर पर सर, बुझलिए ना के यौ। एगो मिर्जापुर के छे, राजकिशोर नाम का आदमी छे सर, बुझियो ना हमर कर कुटुंब जी दे दिलखन जी, अहाँ जिंदा भऽ गेली। आप बुझियो ना ये छे से आप की आदेश है सर? ओई बला में की भेले राम सखा यादव बला में? हम कोनो पक्ष से नहीं बात के लिए सर जी, ने अपने यहाँ चल गए लिए एक बार हम कौन हम तक कहली गए जो आप उससे हम बात किए थे, ठीक है रे जी। ये जो है कौन यादव है? लालू यादव। लालू यादव है वो, राम सखा यादव है। राम सखा से हमको मतलब है नहीं? हाँ ये बता दिल के लालन यादव जी, हम जमीन लालन यादव को कहिए जब मेरे को टाइम बना लेगा, ठीक है ना जी, हमको बुला लेते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना जी। प्रशासन को ही बुला लेते हैं वो टाइम बना करके, और उसके बाद जो है जो जमीन उसको वापस कर दे, लिख दे, आ जाके केस का फरमाइश कर लेगा, बात खत्म करेगा, नहीं तो फिर हम पड़ जाएगा। ठीक है, कहिया करे देवे सर? ये वो तैयार जहिया कहे तहिया करा देवे। हाँ तो हम बोले छे बोलिए हम राम सखा यादव के साइड करके रख दू तो रखी मतलब ओकरा से बीच लड़ रही दोनों यादव यादव गैर मरे थे। हाँ एक लिखवा देवे सर, ये हमारे आदमी के काहे तंग कर रहा है पलटन जी? नहीं तंग किया करते, आपके बारे में सुन रहे जो हमारे खासम खास आदमी के आप फेरा में डाल रहे हैं, क्या बात? कौन सी कौन सी के श्रद्धांजलि दे दिया आपको? है वो वहाँ के राजकिशोर नाम का आदमी रहे सर, यहाँ के श्रद्धांजलि कर कुटुम श्रद्धांजलि जी गई कथी ला बेकल बेची मैं कहाँ कुछ अपन आराम छे सर। वही लड़का आया है दीदी, हमारे बड़ा करीबी आदमी है, रिलेटिव आदमी है, लेकिन फिर हमें आप परा दिए हैं तो फिर आप फिर हम पड़ जाइएगा। दोनों आदमी मिल बैठ करके एक दिन आइए, दोनों को हम गाइड करके समझाते हैं जो आपका है गलती करता है कहाँ गलती, दोनों अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है आप लोग का, एक आप बैकवर्ड हो ये हरिजन है साला, पत्रकार में दूसरा कोई रहता नहीं है। हाँ, तब जाके तू लोग आपस में लड़ेगा तो झट करेगा सब समाज के लिए। हाँ, हाँ, सही बात।
आप एक टाइम हमको दीजिए, ये लड़का कल हमको आया था तो रो करके बता रहा था क्या कहाँ कैसे, ठीक है, हमको तो पता नहीं था ये आप लोगों क्या कैसे के। एक पत्रकार में हम लोग का कोई आदमी नहीं है, आप भी रहते हैं तो कितना कष्ट में रहते हैं, तो ये सब आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए दूसरे आदमी को। एक टाइम हमको दीजिए, इसको बुलाएंगे कभी, ठीक है छे, हाँ जना कर ठीक, ज्यादा ज्यादा ठीक नहीं करना। दोस्तों एक तरफ समस्तीपुर के एसपी साहब हैं, बेचारा कितना प्रयास कर रहे हैं कि जिला में पुलिस की जो छवि सुधरे, कानून व्यवस्था सुधरे, आप बिहार के एकदम टॉप 10 आईपीएस अफसर में आते हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे ऐसे ऐसे थाना प्रभारी उनके प्रतिष्ठा को और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं क्या हुआ है, ये जो पत्रकार साहब हैं सब लोग पहचानते हैं, पलटन सहनी जी, एगो लड़का जो है ना असामाजिक तत्व है, इनका फोटो पे माला उला चढ़ा के या जिंदे में श्रद्धांजलि दे के घोषणा कर दिया कि मर गए। अब ये करने के बाद इनको फोन आने लगा, चारों तरफ वायरल कर दिया, जिससे ये काफ़ी प्रताड़ित हुए और वो लड़का से रिक्वेस्टो किया कि भैया डिलीट कर दो, हम पत्रकार हैं, सामाजिक आदमी हैं, लेकिन वो बात नहीं माना इनका। अंतिम में ही थक हार के क्या करते, थाना में पेटिशन दिए, थाना प्रभारी जांच करके उनको सत्यता लगा होगा, जिसके बाद केस दर्ज हो गया। जानते हैं केस दर्ज होने के बाद इनको पैरवी पे पैरवी करवाया, धमकी दिलवाया, और जब नहीं हुआ तो पता नहीं वो थाना प्रभारी SC ST वाले से कौन संबंध था उस लड़का का, वहाँ जा करके एगो झूठे केस का हो सकता है इन पर आवेदन उवेदन दे दिया हो, जिसके बाद वो थाना प्रभारी इनको फोन करके ना धमका रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ और कब कितने बजे किस नंबर से फोन आया था वो बताइए। देखिए ये हमारे ये जिंदा रहते हुए एक राजकिशोर नाम का व्यक्ति है जिसका घर मिर्जापुर है, जिंदा रहते हुए श्रद्धांजलि दे दिया। हमारे यहाँ 40-50 पत्रकार आए थे और हमारे सागे संबंधी बंगलौर से आए थे, कलकत्ता से आए थे, ये गुवाहाटी से आए थे, विभिन्न जगह के कर कुटुम्ब यहाँ गाड़ी लेकर के हमारे यहाँ पहुँचे, जो कि ये मर गए हैं, चलते हैं श्रद्धांजलि। फेसबुक पर देख करके वो लोग समझ गए कि मर गए। रोसरा हलचल यहाँ चलाता है, राजकिशोर पासवान नाम है। लेकिन ई वाला मामला बताएं, आपको फोन जो थाना प्रभारी किए कब किए थे, किस नंबर से किए थे? जो है ना ये 23 तारीख को, 11/3/23 को ये फोन किए थे हम, शिवजी पासवान जो थाना अध्यक्ष हैं समस्तीपुर SC ST थाना के, वो फोन किए भाई क्या हो गया यहाँ जो है, हमके सर यहाँ जो है सर राजकिशोर हम जिंदा हैं, लेकिन राजकिशोर पासवान हमें जो है इस तरह से श्रद्धांजलि दे दिया। शिवजी पासवान कौन है? ये थाना अध्यक्ष है SC ST समस्तीपुर। जो कि कुछ बोलोगे तो यहाँ इस तरह से, तो हमें फ़ोन करके यादव समाज के गाली दिया और हमको भी धमकाया, जो अति करोगे तो क्या समझते हो, SC ST थाना है, हम SP का पावर रखते हैं, चूँकि यहाँ समस्तीपुर जिला में एक ही SC ST है और संपूर्ण जिला, हम SP से मांग करते हैं इस तरह के पदाधिकारी पर जांच हो, कार्रवाई हो। काफी मरमाहत आप महसूस कर रहे हैं? हम काफी मरमाहत। कितने साल से पत्रकारिता आप कर रहे हैं? हम तो 84 से कर रहे हैं। 84 से पत्रकारिता कर रहे हैं। जब एक पत्रकार को इस तरह से फोन करके और ऐसे ऐसे निंदनीय शब्दों से सुशोभित किया जाए तो सोचिए आम आदमी के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते होंगे। नहीं तो व्यवहार कुशल बात नहीं किया, कहा आपस में सलट लो नहीं तो समझ जाओ क्या होगा सो। तो हम डर गए भाई यहाँ SC ST केस कर फंसा देगा, क्योंकि ये ऐसा आदमी है, चाटकार आदमी है, प्रदीप पूर्वे को फंसा दिया था रोसरा में, ऐसा बहुत कांड है जो यहाँ करवाया है, हम नहीं बोल सकते हैं कौन ये राजकिशोर पासवान। आपके मामले में केस दर्ज हुआ है रोसरा? हाँ रोसरा। कांड संख्या कितना है? कांड संख्या तो है, अच्छा उतना नहीं याद है, छोड़ दीजिए। अच्छा 5 तारीख को दर्ज करके कोर्ट चला गया। अच्छा जैसे आपको फोन पर धमकी दिया गया, यादव समाज को जो ये बोला गया कि यादव यादव और गाली दे करके जो बोला गया, ये गलत बात ये है। कौन गांव के यादव लोग के? महुली गांव के, महुली गांव के, रोसरा थाना के हैं। किनका किनका नाम ले रहा था वो लालन यादव का नाम? विवाद है उन लोगों का, उसको जो है जमीनी विवाद है, आपसी विवाद है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको यहाँ धमकाया इस बात से हमको बरत। SP साहब से क्या निवेदन आप करना नहीं ना, इसकी जांच हो, सर ये जांच हो, और इस तरह से SC ST का धमकी देने वाले पर कार्रवाई हो।
और जब पत्रकार को फोन करके इस तरह से धमकाया जा सकता है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा रिश्तेदार है, इस तरह से नहीं करूंगा। SC ST थाना प्रभारी के रिश्तेदार अगर क्राइम करेंगे ना, तो क्राइम कर सकते हैं, कहा कि उनका रिश्तेदार है और उसको कानून तोड़ने का पूरा छूट दिए हुए। वो कानून तोड़ेगा, अगर केस कोई दर्ज करवाएगा तो SC ST थाना प्रभारी अपने पावर का गलत दुरुपयोग करके इन लोगों को धमकी दिलवाएंगे। पत्रकार को धमका रहे हैं तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। थाना प्रभारी साहब, धमकाने से पहले एक बार सोच लेते कि रोसरा के लोग को आप धमका रहे हैं, रोसरा के पत्रकार को धमका रहे हैं। यहाँ रोसरा जंक्शन भी आपको पूरी तरह से एक्सपोज करने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से जब तक आप पे कार्रवाई नहीं होती है, सभी पत्रकार निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे अपने सीनियर पत्रकार के लिए। और पत्रकार के लिए झांट जैसे शब्द का प्रयोग कीजिएगा, पत्रकार को गाली दीजिएगा, पत्रकार को तुम कहिएगा। अरे आपके बाप के उम्र का है ये, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं होता है। वर्दी पहन लिए तो गुंडागर्दी, वर्दी पहन लिए तो पावर, और अपने आप को बड़ा बाबू किस लिहाज से करते हैं। अंग्रेज के समय में बड़ा बाबू कहा जाता था। और आम जनता से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ये लोग SI ASI कांस्टेबल चौकीदार होते हैं, ये लोग को SI ASI दरोगा जिम्मेदार बोलिए, ये लोग को बड़ा बाबू मत बोलिए। कौन चीज का बड़ा बाबू हो, ये गुलामी है, जागीरदार है, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, हाकिम, आप भी लोग तो मन बढ़ा के रखे हैं इन लोगों का। और निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पत्रकार को धमकी दी गई है, जाति सूचक मानसिकता से भरा हुआ ये थाना प्रभारी गाली देता है फोन पे, तो ऑफलाइन जब थाना पे लोग जाता होगा तो किस तरह का काम करता होगा। निश्चित रूप से SP साहब अच्छे हैं समस्तीपुर जिला के, और वह पूरा प्रयास कर रहे हैं क्राइम व्यवस्था कंट्रोल करने का, लेकिन उनके नाक के नीचे ऐसे ऐसे थाना प्रभारी उनके छवि को भी खराब करते हैं। और हम सभी इनके जैसे जो पत्रकार हैं, हम लोगों को SP साहब से उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई होगी, नहीं तो हम लोग सब पत्रकार आंदोलन करेंगे। और जब तक थाना प्रभारी पे कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग जो है सो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठेंगे रोसराम, क्योंकि एक पत्रकार का अपमान नहीं हुआ है, पलटन साहनी जी का अपमान हुआ है, एक बुजुर्ग का अपमान हुआ है, एक गरीब परिवार का आदमी जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते करते अपना बाल पका लिया, अपना पक्का का घर तक नहीं बना पाए, उनकी ये इज्जत होगी? पागल हो गए हो समस्तीपुर पुलिस, इस तरह से बात करोगे? इसी भाषा में जवाब दे सकते हैं, लेकिन SP साहब पे भरोसा है इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।